सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएस गेमिंग। सो भाई, मेरा नाम है करण और आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट। सो जैसे आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमने एक बहुत ही सुंदर एक अच्छा सा घर बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सामान भी रख दिया। अभी दिखाता हूँ उसका इंटीरियर जाके, पर उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बतानी है। तो भाई, दो तीन दिन पहले वीडियो शूट करने से पहले, ठीक है, मैं ऑफ स्ट्रीम खेल रहा था। आप यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा, एक मिनट में दिखाता हूँ, ये जो ये स्टेयर्स बना रखी है, ये पहले नहीं थी और मैंने इसको मतलब ऑफ स्ट्रीम लुक देने के लिए इसकी स्टेयर्स बना दी डर्ट की, ठीक है। तो भाई, वहाँ ना कुछ प्री विलेजर्स आए, आपको पता होगा प्री विलेजर्स कौन है। तो भाई, उन्होंने ना मेरे इस विलेज पे अटैक कर दिया, तो उनको मारने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी भाई, और उन्होंने भाई वो इतनी तादाद में थे ना कि उन्होंने मेरे सारे विलेजर्स को मार दिया, एक को छोड़ के जो किसी काम का भी नहीं है। भाई, ऐसे बंदे को छोड़ा जो किसी काम का नहीं है, उसको भी मार देते भाई। मैं बताता हूँ कौन है, आप भी कहोगे भाई क्या किस्मत है। एक मिनट, चलते हैं उसके पास सीधा, अगर वो यहीं कहीं घूम रहा होगा तो। वो रहा, तो गाइज ये है वो निकम्मा विलेजर जो बच गया। सर, तू भी मर जाता ना, तू क्यों बच गया? सो भाई, बहुत ही बुरी घटना हुई। अब मेरे को एक विलेज और ढूंढना पड़ेगा, और ये अपना घर में दिखाता हूँ मैंने कौन सी स्टेयर्स बना रखी यहाँ पर। हेलो शिप, देखा उसने भी हेलो करा। और ये देखो, मैंने थोड़ा सा लुक देने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स बनाई थी, बट अभी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा काम हो रहा है। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक लेके मेरे को वो लगाने हैं स्टोन, ठीक है, जो कोबली, जहाँ से कोबली स्टोन मिलता है ना, इसको फर्नेस में डाल के स्मेल्ट करके स्टोन, वो दोबारा से स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, जो जिसका लुक ऐसा होता है ये वाला, ठीक है। तो मैं ये लगाऊंगा यहाँ पर, एक फुटपाथ के, मतलब फुटपाथ जैसा एक लुक आ जाएगा, ठीक है। और दिखाता हूँ अपने घर का इंटीरियर। तो भाई ये देखो, ये मैंने प्रेशर प्लेट लगा रखी है कि दरवाज़ा अपने आप बंद, अपने आप खुल जाएगा, बस अंदर की तरफ, बाहर की तरफ से तो बस हाँ खोलना पड़ेगा। और ये एक बैरल है, इसके अंदर 64 कोल पड़ा है, ठीक है। ये आसपास के पहाड़ों से ही मैंने थोड़ा बहुत कलेक्ट करा है, और 32 के आसपास मेरे पास भी है, और ये भी खाली है, ठीक है। और इधर मैंने दो क्राफ्टिंग टेबल, उधर की तरफ भी चेस्ट लगा रखी है, इधर भी एक फर्नेस है, इधर भी फर्नेस है, इसके अंदर भी 15 कोल है। वाह, कितना कलेक्ट करा, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा इसके अंदर। और इधर भी है, ये मेरा बेडरूम। और ये देखो, लालटेन्स लगा रखी है मैंने यहाँ पर, बहुत अच्छा लुक आ रहा है जिनका, ठीक है। और ये बनती है आयरन इंगट से, और उसके अंदर एक टॉर्च लगती है, जो आयरन मेरे को वहाँ से मिल गया था गोलम से, ठीक है। और इधर पीछे बैरल हैं, ये सारे फिलहाल के लिए तो खाली हैं। और ये बेड, इधर एक वुल है, और ये देखो नीचे कारपेट, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन। अरे अभी के लिए तो सिर्फ ये सारी खाली होंगी, थोड़ा बहुत सामान होगा किसी किसी में पड़ा हुआ इसके अंदर, जैसे ये देखो वुल पड़ा हुआ, एक चेस्ट, बेड, और थोड़ा सा खाना ले लेते हैं, ठीक है। और ये देखो, 1, 2, 3, 4 और ये 5, उनके मैंने 5 बंदों को फिर भी मारा, 5 से ज़्यादा ही होंगे, कम से कम 10 बंदों को तो मैंने किल करा ही होगा, ठीक है। और भाई फिर भी उन्होंने मेरे इतने विलेजर्स को मारा, और मैं खुद ही वहाँ पे 3-4 बार मर गया, और बहुत बुरा लगा। तो भाई, आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं माइनिंग, तो हम चलते हैं माइनिंग करने। तो हम माइनिंग करने जाएंगे इस वाली डायरेक्शन में, जिस साइड हमारा विलेज है, क्योंकि उस साइड एक केव है। अगर आपको पता होगा, आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा, तो आते समय मेरे को एक केव मिली थी, जहाँ पर हमें मिले थे, कॉपर मिला था, कॉपर के ब्लॉक्स थे वहाँ पर। तो मैंने कहा था कि इसे किसी और दिन एक्सप्लोर करेंगे, तो आज दिन आ गया है उसे एक्सप्लोर करने का, तो चलते हैं सीधे उधर को ही। भाई ये तो गहरे में जाती जा रही है, बहुत ज़्यादा डीप ना हो।
तो भाई यहाँ पे हमको थोड़ा सा आए दिन मिल चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं थोड़ा इधर को देखता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा है वाटर सोर्स, और नीचे आई थिंक क्रीपर है। आ जा। अरे बहुत बढ़िया। कहाँ है भाई ये ज़ॉम्बी? हट जा आगे से। एक क्रीपर और नीचे थोड़ा सा आयरन भी है यार। इस साइड ना आयरन था। भाई उसने मेरी एकदम फुल एक्सपी उड़ा दी। ठीक है तो अपने हाथ में फिर से एक स्वॉर्ड ले लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है? मेरे को थोड़ी सी टॉर्चेस बनानी पड़ेंगी यार। दो स्टैग्स ठीक है, और इसको यहाँ रख के इसको फिलहाल के लिए यहाँ रख लेते हैं। और अपना क्राफ्टिंग टेबल हम यहाँ से दीवार से उठा देते हैं। तो पहला ऐसा करते हैं कि पहले ऐसे करते हैं, जो हमने ऊपर आयरन देखा था उसको थोड़ा सा जो जितना भी है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई आयरन की फिलहाल के लिए बहुत ज़रूरत होने वाली है। और हमारे पास है आयरन की पिकेक्स, जो हमने गोलम को किल करके बनाई थी। यार मैंने गलती करी गोलम को मार कर यार, क्योंकि अब वहाँ पे उसके बाद कोई भी गोलम स्पॉन नहीं हुआ, और अब मेरे को खुद ही गोलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोल भी है, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं जितना हो सकता है, क्योंकि तो भाई सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ लॉक। चल कोई बात नहीं, अपने पास स्वॉर्ड है। बट यार मैं एक चीज लाना भूल गया, मुझे पता था भयंकर। भाई यार मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ा सा फूड कलेक्ट करके लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे को फूड की बहुत ज्यादा जरूरत। सो गाइज मैं थोड़ा सा फूड कलेक्ट करके वापिस उसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे हमने माइनिंग शुरू करी थी। और मैं फूड कलेक्ट करते करते सीधे घर भी पहुँच गया था। मैंने सोचा तो चलो ठीक है, घर ही आ गए तो कुछ सामान कर ले बना लेते हैं। तो हमने आयरन को स्मेल्ट करा, तो हमारे पास 6 आयरन इंगट्स थे, तो हमने उसको स्मेल्ट करके एक शील्ड बना ली ठीक है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है। और वहाँ पे भी थोड़ा सा आयरन है, और इधर भी है आयरन। फिलहाल के लिए पीछे से कोई मत आना भाई ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ पहले। और यहाँ से सिर्फ 2 आयरन मिला है मेरे को, और यहाँ से मैं थोड़ा सा कोल भी कलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है। इधर से भी ले लो थोड़ा सा, और इस साइड आई थिंक ग्रेवल के सिवाय कुछ नहीं है। यह है, मैं कुछ रहा नहीं, कुछ नहीं है। तो नीचे है थोड़ा सा, उसे भी कलेक्ट करते हैं, और आगे से यार कोई ज़ोंबी वगैरह या स्केलेटन पिछली बार की तरह ना आ जाए। और मेरे पास कुछ है कोबल स्टोन, इसको यहाँ रख देते हैं फिलहाल के लिए। और मैं 18 ब्रेड्स भी बना के लाया हूँ भाई आज तो पूरा। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ये तो वही है, कॉपर है भाई कॉपर ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको भी कलेक्ट कर लो यार, कुछ नहीं छोड़ना है यार। वैसे मैंने एक बार इसे कलेक्ट कर लिया है ठीक है, और तो नहीं है भाई। फ्लिंट मिला, इधर है थोड़ा सा और।
भाई उधर, भाई भाई उधर है आयरन एस के पीछे। यार मेरे पास शवल, हाँ है शवल है, सुकर मैं शवल लेके आया हूँ। तो भाई कोई आना मैं, ये देखो भाई, तो यहाँ से क्रैक कर लो जब यार मेरी आयरन पिकेक्स टूट ना जाए। वैसे मेरे पास 5 वो हैं और मैं स्टोन की पिकेक्स भी बना के लाया था। जल्दी से इस आयरन को कर लो कलेक्ट, इधर भी है थोड़ा सा, इसको भी ले लो। और तो नहीं है तो हमारे पास कितना हो गया, 5 हो गया ठीक है। और फिलहाल के लिए तो यहाँ और कुछ नहीं है, आगे है थोड़ा सा आयरन और चलते हैं आगे की तरफ। और मेरे पास इस बार है शील्ड भाई, इस बार ज़रा आगे को देख के आते हैं आगे कुछ है भाई। आगे भी ये वह बहुत बढ़िया है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक नहीं, नीचे की तरफ तो कुछ भी नहीं है, जो आगे सिर्फ नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी आयरन बहुत सारा है, कॉपर है, इधर भी है कोल। चलो अभी आते हैं, तब तक जो पीछे का जितना भी हमने सामान देखा था वो पूरा कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। बस कितना, 26 कॉपर हो चुका है। काश यार आयरन भी ऐसे ही एक की जगह दो दो मिलता, तो फिलहाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आयरन हो जाता इस वक्त। तो टॉर्चेस लेके आगे चलते हैं, और चलते हैं दोबारा से उनकी तरफ और हमला करके। इस बार तो मैं उनको मार ही दूंगा। और अपना स्केलेटन भाई, बैक आ जाओ, बैक आ जाओ, पीछे आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है फिलहाल के लिए थोड़ी रोशनी में आ जाओ। और यहाँ से थोड़ी पेट पूजा करके फिर चलते हैं। और यहाँ पर नहीं है क्या आयरन? यहाँ पर तो यार भाई इधर तो बाद में चलेंगे किसी दिन। भाई ये क्या है? और इधर की साइड भी है शायद केव। न्यू रेसिपी अनलॉक, क्या था वो? ग्लो इंक सैक? यार इंक सैक तो शायद उससे मिलता है ना। अब ले लेते हैं अपने हाथ में हम टॉर्चेस, ठीक है। टॉर्चेस ले ली हमने, पहले तो यार मेरे को एक वाटर सोर्स बंद करना पड़ेगा। एक मिनट में इसको यहाँ रख देता हूँ, यार इसकी तो फिलहाल के लिए जरूरत है नहीं है, इसको यहाँ रख दे।
अब तो नहीं है ना कोई यहां पर? ओ भाई उसने बो छोड़ दी। अरे वाह बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी, ज़्यादा बहुत ही सुंदर, अमेजिंग। और उधर हमें आयरन भी मिल चुका है, और ठीक है तो इधर की साइड भी एक केव जाती है, इधर भी देखते हैं इधर क्या है। इधर आयरन भी है, ये तो और डीपली जा रही है भाई। तो इधर भी चलेंगे, पहले बैक साइड जाके वहां से जितना भी आयरन हमने अभी देखा है उसको कलेक्ट करके हमारे पास हो चुका है पूरा 46 आयरन। ठीक है रॉ आयरन है जो 46। और इधर की तरफ भी कुछ नहीं है, तो हम जा रहे हैं वापिस यहाँ से। अब हम जाएंगे उस अगली वाली केव की तरफ, पर इधर को हम अब मत आना यार, इधर की तरफ भी हम जाएंगे। यार ये किस चीज़ की आवाज़ है? कोई नया मॉब तो नहीं है यहाँ पर? भाई यार प्लीज मेरे को कोई कुछ मत। मारता है साले, मारता है, रुक जा। भाई अंदर एंडरमैन है, इधर साइड स्पॉनर तो नहीं है? ओह नो यार, आ चुके हैं केव के अंदर वापिस से एक बार, और पहले हम जल्दी जाकर अपना जितना भी सामान है वो उठाएंगे क्योंकि वहां पे फिलहाल के लिए तो स्केलेटन होंगे नहीं। ठीक है भाई, पहले देख लो मेरा सारा सामान मेरे पास है ना, तो इस साइड को। ओ गॉड अपने पास आ चुकी है अपनी स्वॉर्ड। इस बार मत आ जाना भाई कोई आके, मैं बता रहा बहुत बुरा मारने वाला हूँ। भाई 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 ये देखो आयरन देखो भाई कितना सारा। ये देखो भाई, अरे भाई ये देखो भाई ये तो मुझे लग रहा मेनली सिर्फ आयरन की माइन है इधर भी। ओ भाई साहब कितनी तो जितना भी आयरन है हम जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ से बाहर। और अब मैं करूँगा सीधे नीचे को माइनिंग, ठीक है? तो नीचे को माइन करने के लिए आई थिंक ये वाली जगह से नीचे को खुदाई करना शुरू करेंगे, वो भी दो दो ब्लॉक्स में, क्योंकि बाई चांस नीचे लावा हुआ तो। और केव आ चुकी है, आई थिंक यहाँ पे डायमंड हो सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पर यार लैपिस ल्यूजी बहुत अच्छी है, रेड स्टोन, अरे वाह ये बहुत सही चीज है। ओ भाई लावा को, और आयरन भी है वहां पर। भाई लैपिस ल्यूजी चाहिए था, और ये देखो इसका लुक क्या खतरनाक आ रहा है। ओ
रेडस्टोन भी आउटसाइड, मेरे को वहाँ से लावा से बच बच कर निकलना पड़ेगा। और इधर थोड़ा सा कॉपर भी है और, ठीक है, और इधर भी है लावा थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट रहने के लिए मैं ऐसे करके, थोड़ा ऐसे करके इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर ये बंद हो चुका है। और यहाँ पर है रेड स्टोन, तो सबसे पहले हम यहाँ से थोड़ा सा रेड स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। और मैंने सुना है यार रेड स्टोन के आसपास डायमंड भी मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा माइनिंग करके देखता हूँ, प्लीज़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। प्लीज़ मिल जाए, मिल जाए, प्लीज़ मिल जाए। सो मैं इस साइड एक दूसरी, मतलब जो उस साइड से जुड़ी हुई थी उस टनल के पास आ चुका हूँ। और इस साइड भी केव है भाई, बट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जरा कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। एक दो और दिख कर लेता हूँ, तो मैं चलता हूँ। कॉपर भी ले ले यार, यहाँ से कॉपर भी उठा लेंगे। शुक्र यहाँ पे कोई ज़ोंबी या मॉब स्पॉन नहीं हो रखा, कोई अदर मॉब के है, तो जितना भी हम कलेक्ट कर सकते हैं हम जल्द से जल्द कलेक्ट कर लेंगे। और अपने थोड़ा लैपिस लियोजुला, जिसे हम लैपिस ल्यूसी के नाम से जानते हैं, और वो भी है। यार ये क्या चीज़ है, ख़त्म। और इसे भी जल्द से जल्द कलेक्ट कर लेते हैं, और इसे हम करेंगे डायमंड की पिकैक्स से कलेक्ट। और यहाँ पे हमें इसके चार ब्लॉक मिले, और चार में से हमको 40 लैपिस ल्यूसी, और वहाँ पे भी आयरन है और रेड स्टोन भी है। और यहाँ थोड़ा सा कोल है, और यहाँ से नीचे उतरने के लिए एक थोड़ा सा स्टेयर्स टाइप बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या चीज़ है यार, ये नया ब्लॉक है कोई, तो इस साइड से हम इसको थोड़ा, बस जल ना जाइयो। ये इसको हमने यहीं रोक दिया पीछे, और अब हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर टॉर्चेस की, और अब यहाँ पर टॉर्चेस ही टॉर्चेस लगा देंगे पूरी जगह। यहाँ पे भी थोड़ा सा रेड स्टोन है, उस साइड भी एक केव जाती है भाई। भागो भागो भागो, मॉब्स आ गए। से भी कलेक्ट कर लो भाई, यार यहाँ तो डायमंड मिल जाए। ओह माय गॉड, सो भाई दोस्तों दोस्तों, यस मेहनत सफल हो गई। यस 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 यस, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक।
भाई हमें डायमंड मिल चुके हैं और हम चलते हैं सीधे अपने घर की तरफ, और मैं मिलता हूँ तुम्हें सीधा बाहर, ठीक है? वो है तो यहाँ पे हम 39 कोल रख के 64 को स्मेल्ट कर देंगे, और यहाँ पर स्टोन, चलो उसको रहने दो। रात हो चुकी है फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा क्रीपर है उधर, तो ठीक है यहाँ पे हम 64 रख देते हैं और थोड़ा सा और इसको दे देंगे। यहाँ पे कोल है तो 20 रख के और इसको भी यहाँ स्मेल्ट कर देंगे, ठीक है? और जो काम की चीज़ नहीं है इसको भी यहाँ रख, बाकी मैं अपने साथ ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है? और मैं दिखाता हूँ मेरे को पिछले वाले एपिसोड में कितने डायमंड मिले, और वो शायद इस वाले में। ये देखो 5 डायमंड पिछले, अभी जो मैं एपिसोड शूट करना था बट वो गलती से मैं उसको शूट नहीं कर पाया, और अब मेरे पास टोटल हो चुके हैं पूरे 9 डायमंड्स। और भाई इन डायमंड्स के लिए एक लाइक कर दो, तो ठीक है। और यहाँ पर हम रख देते हैं आयरन। मैंने यार ये देखो मेरे को गोल्ड भी मिला था उस वाले एपिसोड में, बट और यहाँ पे देखो कॉपर भी है, और मेरे को और कॉपर मिला, और इसको भी फिलहाल यहीं रख देंगे। और यहाँ पे रेड स्टोन भी है, और लास्ट चीज़ लैपिस ल्यूजी, ठीक है? और जो बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा सामान है उसको हम रख देंगे यहाँ पर इस वाली चेस्ट में, ठीक है? तो हमारे पास है 33 लैडर और बची है, और इसको भी हम यहीं रख देंगे लाल के लिए। फ्लिंट या फ्लिंट भी यहीं रख देते हैं और सो लेते हैं। सुबह हो चुकी है और हमारे पास हो चुके हैं हमारे 9 डायमंड्स, जो कि 4 मैंने, मतलब ये वाली वीडियो भी मैंने पूरी मेहनत से बनाई, और पिछली बार मैं इस साइड को गया था यार, पता नहीं क्या हुआ बट मैं उसे शूट नहीं कर पाया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि, ठीक है? और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब